हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी दुनिया को तब नजर आती है जब वो संघर्ष सफलता में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी प्रेरित होंगे। जी हाँ, आज हमने मुलाकात की भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर चयनित रुपेश राज वर्मा जी से। हमने उनसे बातचीत की, उनके बचपन की कहानियाँ सुनी, उनके बाप का संघर्ष, उनके भाई का सहयोग, माँ की ममता, सबको मिला करके जो एक कहानी बनी, वो संघर्ष की कहानी, सफलता की कहानी जो आज रुपेश वर्मा जी लिख चुके हैं। जब वो सफल होकर के गांव लौटे तो पूरा गांव उनके दरवाजे पर था उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। ये पूरी संघर्ष की कहानी हम अपने इंटरव्यू में समेटे हैं, उससे आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था रुपेश राज वर्मा का व्यवहार। उनके बातचीत से ऐसा लगा कि अपने सफलता को वो दिल में रखे हैं और विनम्रता को अपने सर पे चढ़ाए हैं। उनकी विनम्रता आपका दिल भा लेगी। हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप इस इंटरव्यू को पूरा देखें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत महान। साथियों, एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, आज हम वैसे ही एक सफलता की कहानी आपके सामने सुनाने वाले हैं। कहा जाता है कि संघर्ष की अग्नि में तप कर ही इंसान सफल होता है और सफलता के उस शिखर तक पहुंचता है जहां से दुनिया उसे सलाम करती है। हमारे बगल में एक शख्स दिखाई दे रहे होंगे वर्दी में, इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी और आपको ये लगेगा कि कैसे इंसान धरती से उठ करके आसमान को छूता है, कैसे इंसान गरीबी से लड़ करके और उस दुनिया में जाता है जहाँ से लोग उसे जानना शुरू करते हैं। तो जिस उपलब्धि को आप हासिल किए हैं, अपने घर को, अपने प्रखंड एरिया को, जिस तरह से आप नाम रोशन किए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपको। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दीजिए अपने मुख से, क्योंकि अब हम क्या बोले आपके बारे में, चाहेंगे कि आपके मुखारविंद से हमारे दर्शकों को पता चले। सबसे पहले तो आपका एवं आपके चैनल अपना भारत महान को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुपेश राज वर्मा है, मैं डंडई ग्राम निवासी हूँ। मेरे माता पिता का नाम श्री रामलखन प्रसाद एवं माता का नाम प्रभावती देवी है। जहाँ तक मेरा स्कूलिंग का बात है, मैं यहीं अपने ग्राम से ही डंडई से किसान हाई स्कूल डंडई से 10th किया हूँ। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के लिए पटना गया, मैं पटना से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से बीटेक किया सिविल स्ट्रीम से। अभी आप जिस पद पे सेलेक्टेड हुए हैं, जिसको लेकर के पूरे डंडे प्रखंड में खुमार है, लोग बधाइयां देने के लिए आपके घर तक पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आपको बधाई दे चुके हैं, वो कौन सा पद है जरा बताइएगा, क्योंकि आसपास के लोग ना बहुत भोले भाले लोग हैं, गाँव वाले लोग, पता नहीं चल पा रहा, थोड़ा सा अपने भाषा में आप उसे बताएंगे। मेरा सिलेक्शन SSJEE 2022 से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसे मेरा सिलेक्शन JEE जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है, जिसे इंडियन आर्मी में JCO जूनियर कमीशनड ऑफिसर बोला जाता है के अंडरगत मतलब हुआ है। जी हाँ, तो सुन रहे हैं आप, एक गांव का लड़का जो गरीबी से लड़ करके उस पद तक पहुंचा है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है JCO जूनियर कमीशनड ऑफिसर। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा पद होता है और ये पद तब और बड़ा बन जाता है जब आपको पता चलेगा कि इनके पिताजी आटा चक्की का मिल चलाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, आटा चक्की का मिल चलाते हैं, मिल का व्यवसाय है। अच्छा, मिल का व्यवसाय था। तो बचपन में जब आपके पिताजी आटा चक्की का मिल चलाते थे, माँ एक साधारण गृहिणी थी, घर आपका बिल्कुल कच्चा का था, उस वक्त जब एक गरीबी आपके सर पर सवार था, क्या कभी सोचे थे कि इतना बड़ा पद पर जाएंगे जहाँ हमारे गाँव में पूरे लोग माला पहना कर हमारा स्वागत भी करेंगे? जी, मेरे घर से मेरे बड़े भैया हो गए, बड़ी दीदी हो गई, सभी मतलब डेडिकेटेड थे पढ़ाई की ओर, तो उन्हीं से मुझे मतलब डेडिकेशन मिला कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। और मैं बचपन से ही मतलब डेडिकेटेड था पढ़ाई की ओर, फोकस था कि हाँ लाइफ में कुछ करूँगा। कहा जाता नहीं कि जब माता पिता ईमानदारी से काम करते हैं और एक जुनून होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि व्यवसाय में अगर ईमानदारी होती तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट बाल बच्चों पे पड़ता है, और शायद उसी का परिणाम है कि आज उनके सुपुत्र JCO बन करके पूरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, बचपन ऐसे होता क्या नहीं कि लोग सोचते हैं कि सर जो इंसान प्राइवेट स्कूल में या CBSE बोर्ड में, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है वही सफल हो सकता है? आपकी बचपन की पढ़ाई कहाँ हुई थी, सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट में? मेरा बचपन का पढ़ाई उत्क्रमित विद्यालय डंडई से हुआ था, उसके बाद मैं किसान हाई स्कूल डंडई में आया था। मतलब देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब जो मॉडर्न आजकल स्कूल में पढ़ रहे हैं वही सफल हो सकते। सफलता पाने के लिए मिडिल स्कूल भी काफ़ी है, बस उसके लिए प्रेरणा चाहिए और डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई की ओर।
ये होती है, लोग ये सब, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं था, इसकी वजह से हम बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाए, तो हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन सर का कहना है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आज GSEO बन करके यहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू मुझे लेने का इनका मन कर रहा है, इतना हम प्रेरित हुए इनसे, तो ये सरकारी स्कूल का देन है। अच्छा, पिताजी जब व्यवसाय करते थे जिस टाइम, आप उस टाइम गाँव में ही हुआ करते थे, तो क्या जब उनके व्यवसाय में कभी आप लोग भी साथ हाथ बटाते थे, जैसा कुछ लगता था कि इतना बड़ा सपना हमारा पूरा हो जाएगा? तो पिताजी तो नहीं चाहते थे कि हाथ बटाए, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते थे कि हाँ कुछ उनका हेल्प कर दें। और पिताजी चाहते थे कि नहीं, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, वो पढ़ाई की ओर ही हम लोग को डेडिकेट किए। अच्छा, तो ये है इनकी कहानी। पिताजी आटा चक्की का मिल चलाते थे और वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई आप किस कॉलेज से की है? RP कॉलेज पटना से। अच्छा, और मैट्रिक यहीं से? किसान हाई स्कूल डंडई से। अच्छा, तो एक सोता हो, एक हल्ला होता है कि नो, जो कि मैट्रिक में जो टॉप करेगा वही कुछ करेगा। मैट्रिकुलेशन में कितना अंक हुआ करता था आपका? मैट्रिकुलेशन में मेरा फर्स्ट डिवीजन था 65 point something था। अच्छा, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप कौन सा ईयर में आप यहाँ पर मैट्रिक किए थे? मैट्रिक 2010-11 से मैं किया था। अच्छा, तो ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है और बहुत कम आप ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि इनकी एज कितनी है, और कम उम्र में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। हम चाहेंगे कि इनकी माता जी हैं, हम चाहेंगे कि आप आते तो उनसे भी हम बात करते। आप आएंगे आंटी यहाँ पे? आप आइए, वहाँ पर बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम भोजपुरी में ही बात करेंगे आपसे। बेटा, इतना बड़ा नाम कर दिया आपका, जब आटा चक्की का मिल चलाते होंगे आपके पति और आप भी साथ में काम कर रहे होंगे, तो क्या उस वक्त लगता था कि आपके बेटे एक दिन इतना बड़ा बनेंगे कि ऐसे पक्का के घर जहाँ पे बहुत सारा टाइल्स लगा हो, चमक वाला, इतना ऊपर आएंगे? आटा चक्की का मिल, जिस समय गरीबी में पूरा आपका चक्की में पीस रहे थे आप, क्या उस वक्त कभी सोची थी कि आपके इतना बड़ा हमारा काम करेगा हमारा बेटा? लोग कभी ऐसा लगा था? पढ़ा दिए, लिखा दिए जो हमारा लड़का पढ़ लिख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ गए। अच्छा, आज सब कोई बधाई दे रहा है, सब कोई आ रहा है, आपके बेटे का नाम हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं एक माँ के चेहरे पर खुशी, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब बेटे अच्छा करते हैं तो खुशी चेहरे से झलकने लगती है और दिखने लगती है कि हमारा बेटा कुछ अच्छा किया है। अच्छा, झारखंड में भी कभी आप अप्लाई करे थे? अभी तो आप सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं। मैं JPSC AE में मैं प्री दिया था, सिलेक्ट हुआ, मेंस दिया, फिर सिलेक्ट हुआ, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, मतलब JPSC दे चुका हूं और फिर JSSC दो बार दे चुका हूं, लेकिन JSSC बार बार रिजल्ट नहीं आया उसका। अच्छा, मतलब बार बार एग्ज़ाम कैंसिल करते रह गया। अच्छा, जिसके कारण तो रिजल्ट तो सोच नहीं सकते, रिजल्ट तो आया ही नहीं। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे जो अभी भी JSSC का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बस आप लगे रहिए, आपका एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये है रुपेश राज वर्मा जी, जिनका कहना है कि लगे रहना है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और निश्चित तौर पर जहाँ से उठ करके ये सफलता को प्राप्त की है, निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े जैसा कि बता रहे हैं कि, और सरकारी स्कूल में पढ़ करके यहीं से पढ़े और फिर अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले और आज एक नया मुकाम लेकर के गाँव में पहुँचे हैं। बधाई देने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी, हम देखे गाँव के सारे लोग आए हुए थे, सब बधाई दे रहे थे। कैसा, मतलब काफ़ी प्राउड फील हो रहा होगा? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था और प्राउड भी इस चीज़ का हो रहा था कि मतलब मैं जो किया उसके कारण मेरे मम्मी पापा, भैया, दीदी सभी लोग मतलब प्राउड फील कर रहे थे कि मैं कुछ किया, इसके लिए मुझे और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। भाई बहनों में आप सबसे छोटे हैं या कौन? मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे मतलब मेरे बड़े भैया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब डेडिकेशन मुझे वहीं से आया कि हाँ वो लाइफ में बहुत सक्सेस किए, मुझे भी करना है, मैं भी उन्हीं के राहों पर चला और मेरे पापा बहुत स्ट्रगल किए हुए लाइफ में, मैं इन्हीं लोग दोनों को प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और इन्हीं के कदमों पर मैं चला और आज सफल हुआ। आपके बड़े भैया यानी कि उनका नाम क्या हुआ? राजू कुमार। अच्छा, मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट मिला? हाँ, काफ़ी सपोर्ट मिला, मेरे बड़े भैया, मम्मी पापा, बहन, मतलब पूरे फैमिली का फुली सपोर्ट मिला कि मैं आज सफल हो पाया और मुझे आगे का भी बहुत कुछ प्लानिंग है जो मैं आगे एग्जीक्यूट करना चाहूँगा।
ये होता है एक परिवार की क्षमता। कहते हैं कि रावण इसलिए नहीं हारा था कि राम की सेना बड़ी थी, बल्कि रावण इसलिए हारा था क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। और आज ये जैसा बता रहे हैं कि हमारे भैया का सपोर्ट मिला तब जाकर के हम यहाँ पहुँचे। निश्चित तौर पर ये इस इंटरव्यू के माध्यम से ये भी संदेश जा रहा है आप लोगों के बीच में कि परिवार का ज्वाइंट होना कितना ज़रूरी है, भाई का सहयोग होना कितना ज़रूरी है। तब एक भाई के कंधे पर इस तरह का ये लगता है स्टार और इस तरह की वर्दीधारी बन करके जब आते हैं और इतने सारी बधाइयाँ मिलती हैं, तो एक भाई के साथ होता है, एक बाप का स्ट्रगल होता है, एक माँ का तपस्या होता है, तब जाकर के ऐसे वीर पैदा होते हैं और मिट्टी से निकल करके आसमान तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। इनके भैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी बताइए, आपके छोटे भाई सफल हो गए और अपने भाई का कितना सहयोग किया, कितना अच्छा लग रहा है भाई आपका सफल हो गए? जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके चैनल अपना भारत महान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मेरे भाई का सपोर्ट का, तो भाई को मतलब हम जब सेटलमेंट पूरी तरह से हो गए तो मेरा प्लान था कि मेरे जितने भी भाई बहन लोग पढ़ने में जो उत्सुक हैं उन लोग के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश किए ताकि हम आगे बढ़ गए, और मेरा प्लान था कि मेरे भाई और बहन भी आगे पढ़े, तो इन लोग भी हमारे मार्गदर्शन पर इन लोग को भी इंजीनियरिंग किए, और भाई था तो सिविल से इसने बीटेक किया, सिस्टर भी एक थी जो सीएस से बीटेक की, और अभी सिस्टर भी थी वो भी जॉब अभी करंटली में वो भी कर रही है सीएस से करने के बाद, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और भाई था तो अभी उसमें प्रिपरेशन किया एसएससी का, और आज बहुत खुश हैं कि हाँ कम से कम हम लोग का फैमिली जो मेहनत की इसके ऊपर, इसने जो अपना सपना देखा वो उसका साकार हुआ। अच्छा, भाई बहनों में आप सबसे बड़े हैं? भाई बहनों में तो नहीं, भाई में मैं बड़ा हूँ, मैं एक मेरी एक दीदी है, उसके बाद मैं सेकंड में हूँ, और उसके बाद दो सिस्टर लोग हैं, और उसके बाद छोटा भाई। अच्छा, मतलब बेटों की मैं अगर बात करें अपने बाप के बेटों में तो आप बड़े हैं? हाँ, मैं भाई में बड़ा हूँ। कहा जाता है कि बड़ा बेटा जो होता है वह घर का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी हो जाता है, मतलब उनके घर के जिम्मेवारियों में कहते हैं कि जिम्मेवारी सबसे पहले उसके बड़े बेटे पर आती है। निश्चित तौर पर जैसा कि हम कहानी सुन रहे हैं कि आपके पिताजी आटा चक्की चलाते थे, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर तो आप ही के ऊपर होगा कि सबसे पहले आप कुछ करें ताकि आटा चक्की से झंझट से दूर हो जाए लाइफ में कुछ। हाँ, ऐसा तो स्टार्टिंग से था, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, फैमिली बैकग्राउंड पहले ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कि मतलब हम आगे कुछ करें, लेकिन फिर भी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, हम भी पढ़ने में पहले से ही अच्छे थे, तो लगा कि हमें कुछ आगे जाना चाहिए यहाँ से। वैसे भी जब हम बाहर पढ़ने के लिए निकले उस समय यहाँ से कोई लोग बाहर नहीं पढ़ते थे, अपने रिलेटिव के थ्रू हम यहाँ से जा करके बाहर एडमिशन लिया, और हम आगे का मतलब अपना एक कोई होता है मार्गदर्शन करने वाला, उस समय मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, मतलब हम एक होता है ना कि बहती गंगा में बहते चले गए। और जा करके जब हम आगे निकले शहर की ओर निकले, जब हम रांची पहुँचे, जब रांची से हमने जब बीसीए किया तो वहाँ पर बहुत फ्रेंड सर्कल बने, वहाँ से हम लोग प्लान किया और आगे का आइडिया आया, और हम जा करके भी बैंगलोर जा करके वहाँ से जा करके एमसीए किए, और उसके बाद हमने जॉब लिया, अभी करंटली मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम सेटलमेंट जॉब में हो गए तो हम अब लगा कि अब हमारे भाई बहन लोग भी जो हैं कम से कम जो बचे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं उन लोग भी अच्छे से सेटलमेंट हो गए, और जो मेरा सपना था जो सोचे थे वो सक्सेसफुल हुआ, इससे हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद देना होगा आपकी सोच को। अक्सर देखते हैं कि बड़ा भाई जब कमाने लगता है तो छोटे भाइयों से दूरी बना लेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा धन जो है इन पर खर्चा हो रहा है, लेकिन आप इतना अच्छा सोचें कि हम सेटल हुए, भाइयों को भी सेटल कराया। निश्चित तौर पर ये संदेश वैसे घरों के लिए और वैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो धन कमाने के बाद अलग होने की कोशिश करते हुए सोचते हैं कि हम इसका खर्चा सिर्फ अपने ऊपर करें। तो अंत में भी चाहेंगे सर कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने। मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें जो लाइफ में करना है वो करने दें। आप जैसे मैं सफल हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर, मैं जैसे सफल हुआ आपका ये बच्चा एक दिन मिडिल क्लास फैमिली से उठकर सफल होगा। बस आप अपने बच्चों को एजुकेशन देते रहिए और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय हमारे लिए निकाले हैं। शायद मुझे लगता है कि आप छुट्टियों में यहाँ पर आए हुए हैं। छुट्टी में आए हुए हैं। कब फिर से ड्यूटी ज्वाइन कब से कर रहे हैं? 4 दिसंबर को ड्यूटी ज्वाइन करने हैं, रिपोर्ट करने हैं। अच्छा जी, तो मैं समझता हूं कि ये इंटरव्यू आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा भर रहा होगा, लगा आपकी इनकी कहानी से प्रेरित हुए होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करके आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसा लगा, इनका संघर्ष आपको कितना प्रेरणा दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अपना भारत महान के लिए मैं नलन कुमार, हमारे कैमरे के पीछे थे शशिभूषण मेहता जी। तो ये इंटरव्यू यहाँ तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।